मॉड्यूल 124 स्पेसिफायर फॉर पीडीएसटी डीएसएम एस टी आल्सो टेल्स अस सर्टेन स्पेसिफायर्स व्हिच वी नीड टू बी स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड सो स्पेसिफायर्स में जो नंबर वन है द डीएसएम एस फोर एक्सप्लेन के वी नीड टू बी स्पेसीफाई वेदर के जो सिम्टम्स हैं उनमें डी पर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन जो है वो आ रही है या नहीं आ रही अब डी पर्सनलाइजेशन का क्या मतलब है डीपर्सनलाइजेशन का मतलब ये है दैट द चाइल्ड इज़ अनएबल टू रियलाइज दैट एवरी थिंग वॉज हैपन टू और हर बॉडी ठीक है उसको यूँ लगेगा कि जैसे वो अपनी बॉडी से डिसोसिएट हो गया है वो बाहर खड़ा हुआ है और वो उन सारी चीज़ों को देख रहा है जो उसकी बॉडी के साथ हो रही हैं ठीक है तो सर्टेन टाइम ये जो पर्सनलाइजेशन का फनोमिना है ये बच्चों के अंदर मर्ज हो जाता है या उनको लगता है कि दे आर इन द ड्रीम लाइक सिचुएशन देन द डी रियलाइजेशन जो अब हम बात करते हैं डी रियलाइजेशन की तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को यूँ लगता है कि जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ अनरियल है ठीक है और उसको यूँ लगता है जैसे टाइम जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता पास हो रहा है तो डी रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड विद द टाइम और डी पर्सनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिलेटेड विद पर्सनस बॉडी ठीक तो इसके अंदर जो चीज़ आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो डी पर्सनलाइजेशन का फेनमिना है या डी रियलाइजेशन का फेनमिना है सर्टन टाइम वो जिस वक्त कोई सब्सटेंस ले रहा हो जिस तरह अगर हम बात करें कि एडोलसेंस एज के अंदर बच्चे जाके कोई ना कोई सब्सटेंस यूज़ करना शुरू कर सकते हैं तो कहीं उसकी वजह से वो प्रॉब्लम ना आ रहा हो यानी अगर बच्चे ने uh, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फेस तो किया है लेकिन उसके बाद वो कोई भी सब्सटेंस जो है उसको लेना शुरू हो गया ताकि उस इफेक्ट को सबसाइड कर सके तो इट माइट पॉसिबल कि जो उसको डी रियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन एक्सपीरियंस हो रही है दैट इज़ नॉट ड्यू टू पी डी एस टी सिमटम बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंस इंड्यूस्ड एंड द अदर थिंग इज द कि कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो जिस तरह उसको कोई और सीजर्स uh, ना आ रहे हों का सर्टन टाइम ये होता है कि कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स के अंदर आ, बच्चा जो है आ, वो डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन के जो सिम्टम्स हैं वो रिफ़्लेक्ट करता है तो यू नीड टू बी ऑल्सो फाइंड आउट कि कोई उसको कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर्स जो है उस तरह का उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो फिर आ, हमने स्पेसिफाई करना है इफ़ स्पेसिफाई ईफ़ में हमने उसकी बेसिकली टाइम ड्यूरेशन देखनी है अब टाइम ड्यूरेशन का क्या मतलब है सर्टन टाइम जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो जाता है इमीडिएटली बट सम टाइम ये प्रॉब्लम सिक्स मंथ तक भी नहीं मैनिफेस्ट होता और सिक्स मंथ के बाद जो है उसका सिम्टम जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं ठीक है थीके? तो वी नीड टू तो बी स्पेसिफाई कि आइदर बच्चे को साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ या उसने विटनेस किया या उसने लर्न किया तो उसके फ़ौर बाद इमीजिएटली क्या सिम्टम्स आना शुरू हो गए या वो डिलेड सिम्टम्स हैं इट माइट पॉसिबल कि बच्चे को एट लीस्ट सिक्स मंथ के बाद सिम्टम्स आना शुरू हो तो आपने इन दो चीज़ों का जो है जब आप डायग्नोसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू डी एस एम फाइव तो यू नीड टू बी मैंशन दीज टू थिंग्स थैंक यू